एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपीएस मैथ प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 24 इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स टेबल फंक्शन में देखते हैं। लेट वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई क्या है, एन स्क्वायर। ठीक है, एन बिलोंग्स टू एन सबसेट ऑफ एन, कंसिडर एफ एन टू वाई एज इफ एज एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर सो डैट एफ इज इन्वर्टेबल, फाइंड द इनवर्स। ठीक है, मेरे पास f क्या है, fn है, और fn क्या है, n स्क्वायर है। f कहाँ से कहाँ डिफाइन है, n टू कैपिटल y है। ठीक है, इन्वर्टेबल शो करने के लिए बोल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, वन वन और ऑन टू शो कर देंगे, मीन्स बाइजेक्टिव शो कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल। ठीक है, वन वन के लिए देखते हैं, वन वन, वन वन के लिए क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। हम क्या करते हैं, लेट एक्स वन और एक्स टू कोई भी दो आर्बिटेरी एलिमेंट एन से लेते हैं। ठीक है, एन क्या था, डोमेन ऑफ एफ। तो यहां से कंडीशन लगाएंगे वन वन के, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। यहां से क्या है, एफ क्या है, एन स्क्वायर है, एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन एक्स वन माइनस एक्स टू। ठीक है, एक्स वन माइनस एक्स टू, और क्या आ जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो। एक्स वन और एक्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये जीरो होगा नहीं। ठीक है, एक्स वन प्लस एक्स टू डज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज एक्स वन और एक्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, तो जीरो एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, हेंस एफ इज, हेंस एफ इज वन वन। इसको शो कर दिए, एफ क्या है, वन वन। अब ऑन टू के लिए देखते हैं, ऑन टू के लिए क्या होता है, अगर फंक्शन का कोडोमेन फंक्शन के रेंज के बराबर आ जाए तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे कोडोमेन क्या है, कोडोमेन एक फंक्शन ही दिया है। कोडोमेन क्या है, वाई इक्वल टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ एन। वाई जो है वो कोई सबसेट है एन का, तो वाई क्या आ जाएगा, कोडोमेन लिखते हैं यहाँ पे, एन के प्लेस पर नेचुरल नंबर देने पे वाई क्या सब आ रहा है, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, इस तरह से नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, और फंक्शन का रेंज क्या आ जाए, एफ कहाँ से कहाँ, एन टू वाई, और एफ एन है एन स्क्वायर, तो रेंज भी क्या आ जाए, रेंज ऑफ एफ भी आ गया, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, इस तरह से नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या है। यहाँ से क्या, कोडोमेन और रेंज बराबर हैं, कोडोमेन और रेंज इक्वल हैं, हेंस हेंस एफ इज ऑन टू, एफ ऑन टू। यहां से क्या बोलेंगे, वन वन एंड ऑन टू मीन्स फंक्शन इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव है तो फंक्शन इन्वर्टेबल। ठीक है, इन्वर्टेबल है। ठीक है, अब एफ का इन्वर्स निकालते हैं, एफ क्या था, वाई इक्वल टू एन स्क्वायर, और कहाँ से कहाँ था, एफ जो था एन टू वाई था। ठीक है, एन टू वाई, अब एन इज फंक्शन ऑफ वाई सॉल्व करते हैं, एन क्या आ गया, प्लस माइनस रूट अंडर वाई। अब क्या करेंगे, एन के जगह पे वाई रिप्लेस करेंगे और वाई के जगह पे एन रिप्लेस करेंगे। यहाँ वाई है, वाई के यहाँ एन है, एन के जगह पे वाई प्लस माइनस और वाई के जगह पे एन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दो फंक्शन आ रहा है, क्या सब है, वाई इक्वल टू प्लस रूट एक्स और वाई इक्वल टू माइनस रूट एक्स। ठीक है, तो हमको अब चूज करना है जो कौन सा, क्योंकि
किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एक ही होता है, मतलब फंक्शन का इन्वर्स यूनिक होता है। इन्वर्स तो एक ही होगा, अब कौन सा होगा ये हमें पता करना होगा। यहाँ से देखेंगे, अगर फंक्शन का डोमेन n टू y था, तो इसके f इन्वर्स का कहाँ से कहाँ हो जाएगा, f इन्वर्स डिफाइन हो जाएगा y टू n में, y टू n में, ये डिफाइन y टू n में डिफाइन है। तब इसको क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ y है, ठीक है, रेंज क्या आ रहा है इन्वर्स का, f इन्वर्स का रेंज क्या है, नेचुरल नंबर। यहाँ से रूट क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव देगा और बाहर नेगेटिव लगा हुआ, ये तो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो मतलब हमारा इन्वर्स क्या आएगा, y इक्वल टू रूट एक्स, ये हमारा f इन्वर्स आ गया। थैंक यू।